नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी फ्रेंडली बातें करना चाहूँगा जो मैक्सिमम मेरे पास इंक्वायरी आती है, जो मैसेज आते हैं वो किस चीज़ के आते हैं। आप अपना घर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के जो मैसेज आते हैं उनका अपना मेन गेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी नैऋत्य कोने में बना हुआ है, वो उस चीज़ से डरे हुए होते हैं। सेकंड, टॉयलेट के बारे में, कहीं टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या नैऋत्य कोने में तो नहीं बनी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है लोगों का मेरे सामने वो आता है किचन का, किचन किस दिशा में बनी हुई है। किचन नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी ईशान कोने में बनी हुई है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हम क्या करें। चौथा पॉइंट किस चीज़ का आता है, स्टेयर्स का, हमारी स्टेयर्स ईशान कोने में बनी हुई है या नॉर्थ में उत्तर दिशा में बनी हुई है या ईस्ट में पूर्व दिशा में बनी हुई है, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी करें। पांचवी दिक्कत जो आती है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो है सेप्टिक टैंक की। ज़्यादातर जगह तो सीवरेज लाइन है, आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं है, तो ऐसी जगह में सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। तो सेप्टिक टैंक किस दिशा में बनाना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है। अब मैं आपको और ख़ास बात बताना चाहूँगा, और इसके अलावा मेरे पास जो ज़्यादा इंक्वायरी आती है वो आती है टी पॉइंट की, कि हमारे घर के सामने टी पॉइंट आ रहा है, उसके लिए हमें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स आप अपना नया घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। चाहे आप घर खरीद रहे हैं, चाहे आप ऑफिस खरीद रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री खरीद रहे हैं, तो ये कमियाँ हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसी जगह को ना खरीदें। आप ऐसे घर में रह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज बता सकता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के यानी ईशान कोण के वास्तु दोष को हमेशा दूर करना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर वास्तु दोष होने से एक नहीं कई प्रकार की समस्याएं आती है। टॉयलेट ईशान कोने में बन जाती है तो भी तकलीफ़ होती है, किचन ईशान कोने में बन जाती है तो भी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ किस तरह की होती है, जब ईशान कोने में टॉयलेट बन जाती है तो घर के अंदर बेवजह के झगड़े होने के कारण बन जाते हैं, मनमुटाव बन जाते हैं। ऐसे ही किचन नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है तो घर के अंदर झगड़े तो होते ही होते हैं, साथ में देर सवेर ऑपरेशन होने के कारण भी बनते हैं। जब ऑपरेशन होने घर के अंदर शुरू हो जाते हैं तो उस घर के अंदर साल डेढ़ साल में दोबारा से फिर ऑपरेशन होने के कारण बनते हैं। यानी ऐसे घर में जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन बनी हुई है वहाँ पर बार बार ऑपरेशन होने के कारण बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स बन जाती है तो वहाँ पर रहने वालों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टेयर्स जब नॉर्थ ईस्ट में बनती है तो छत के ऊपर मोमटी बनाकर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को, नॉर्थ ईस्ट जोन को ऊँचा कर दिया जाता है, तो वो भी तकलीफ़ देता है। मन में विचारों में मतभेद पैदा होते हैं, आपसी मनमुटाव होते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनी हुई हो तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता, साउथ वेस्ट में किचन बनी हुई हो तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता, साउथ वेस्ट में एंट्री डोर हो, मेन गेट हो, तो उसे भी वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। इस दिशा में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सबमर्सिबल बोरवेल या सेप्टिक टैंक या रेन वाटर हार्वेस्टेड टैंक भी नहीं होना चाहिए।
जो बातें आज मैंने आपको बताई है साउथ वेस्ट जोन के बारे में, नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में, जैसे मेरे पास इंक्वायरी सबसे ज़्यादा आती है वो इन दो दिशाओं के बारे में आती है कि इन दो दिशाओं में ये वास्तु दोष बने हुए हैं। ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना नया घर लेने जा रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, बने बनाई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो इन खास बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और आपने आर्किटेक्ट से मैप डिज़ाइन करवा लिया है और उसमें आपकी किचन या टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट जोन में बन रही है या स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट जोन में बन रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनको यहाँ से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही साउथ वेस्ट जोन में भी वास्तु दोष बन रहा है तो उसको भी आप अपने मैप में सही जरूर कराएं, क्योंकि आपका घर जब बन जाएगा तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तोड़ने के, या जब परेशानी आती है तो घर छोड़ने के या तोड़ फोड़ करके उसे ठीक कराने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना नया घर लेने जा रहे हैं या आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो इन खास बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी यही है, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपने घर को सही कर सकते हैं। इसके लिए वास्तु एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर, लेआउट भेजकर, प्लान भेजकर हमसे सलाह ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।